ग्रीनिंग दोस्तों, अभी मैंने वाक्य और सेंटेंस के प्रकार पे बात की थी कि सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं, ठीक है। पांच तरह से सेंटेंस बोले जा सकते हैं, ये मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया। लेकिन सेंटेंस के अगर टुकड़े किए जाए कि सेंटेंस कितने तरह के शब्दों से मिलकर बन सकता है, तो उसके पार्ट होते हैं आठ, उसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच मतलब स्पीच जो भी भाषण हम देते हैं, जो भी सेंटेंसेस का ग्रुप बोलते हैं, उसमें आठ तरह के शब्द हो सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो उसी पार्ट ऑफ स्पीच को हम आज बताएंगे, जिसमें से कुछ के बारे में हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच आठ होते हैं। पहला होता है नाउन, संज्ञा, ठीक है। संज्ञा की वीडियो में बना चुका हूँ, नाउन की दो वीडियो। तो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका नाउन, जो कि पांच प्रकार का होता है। संज्ञा पांच प्रकार की होती है। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद का पहला भाग नाउन है, संज्ञा है। दूसरा भाग प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो पहला नाउन है मतलब संज्ञा, किसी भी नाम से जिसको हम पुकारे, वो नाम जो है, वो जितना भी नाम है वो सब नाउन कहलाएगा। नाउन के पांच प्रकार होते हैं, तो डिटेल की वीडियो हम बना चुके हैं। फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन है सर्वनाम, मतलब सभी के नाम। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, उसकी जगह जो शब्द यूज करेंगे तो उसको हम कहेंगे सर्वनाम या प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद का तीसरा जो भाग है एडजेक्टिव, विशेषण, ऐसे शब्द जो संज्ञा या नाउन की विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐड कर दें जिससे जो है खूबी बढ़ जाए। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति, तो व्यक्ति है आपका नाउन पर्सन और वाइज उसके पहले आ गया, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसमें एडजेक्टिव है आपका, वो विशेषण है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो हमेशा विशेषता बताता है नाउन की, कह सकते हैं प्रोनाउन की भी। तो अब आते हैं चौथे पार्ट पे। पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद के चौथे पार्ट पे आते हैं, वो है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, मतलब करना, किसी भी काम को करना, वो होती है क्रिया। जैसे खाना पीना दौड़ना, ये सब है आपकी क्रिया, ठीक है दोस्तों। फिर वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, मतलब वर्ब के लिए कुछ ऐसे शब्द जो वर्ब को एक्टिव कर दें, जो वर्ब को अच्छी तरह कुछ खूबी ला दे। जैसे दौड़ना, तो दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन हम कह रहे हैं तेज दौड़ना, तो तेज जो है दौड़ने की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। तो तेज जो है, फास्ट जो है, वो एडवर्ब है, ठीक है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि नाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी बचते हैं उन सब की विशेषता जो बताते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब। लेकिन अभी आप ये जाने कि वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उसको एडवर्ब कहेंगे। फिर पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है अगला, वो है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। जैसे वह कमरे में गया, तो वह कमरे में गया, तो कमरे की स्थिति, कमरे में गया, संबंध सूचक अव्यय, प्रीपोजिशन। पोजिशन माने स्थिति, प्री माने पहले। तो पहले ही आपको वो स्थिति बता दे, उसको ऐसे शब्दों को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे वह छत पर है, तो छत पर, छत पर है, कमरे में है, घर के अंदर है, बाहर है, नीचे है, ऊपर है। तो आपको पोजिशन बताया, पोजिशन बताने वाले शब्द जो है वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, ये सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इन और टू मिलकर इनटू बन गए, तो प्रीपोजिशन आगे हम बताएंगे, वो भी कई प्रकार के होते हैं। फिर पार्ट ऑफ स्पीच का जो सातवां पार्ट है वो है कंजंक्शन। जंक्शन जानते हैं, रेलवे जंक्शन मतलब जोड़ने वाली। तो ऐसे शब्द जो, ऐसे वर्ड जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे राम और श्याम बाजार गए, तो राम और श्याम को एंड जोड़ रहा है, ठीक है। राम सो गया और मोहन जाग गया, तो यहाँ पे राम सो गया एक वाक्य, मोहन जाग गया दूसरा वाक्य, इन दोनों को एंड जोड़ रहा है। तो ऐसे शब्द जो दो, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़े उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, संयोजक कहते हैं। और लास्ट जो है इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच का जो आखिरी पार्ट है वो इंटरजेक्शन है, विस्मय सूचक शब्द। जैसे अभी हमने वाक्य के प्रकार बताए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसमें जो शब्द आते हैं विस्मय बोधक शब्द, तो वही है ये विस्मय सूचक शब्द। ऐसे शब्द जो भावना को बताए उसको कहते हैं विस्मय सूचक शब्द। तो दोस्तों, हम अब आपको पार्ट के बारे में बता चुके हैं नाउन प्रोनाउन, अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट।